Hello people, welcome to my channel. So if you are new in my channel, please go share, like and subscribe. And today we are going to talk about the brain development activities for the kid between 1 to 5 year old. So ज़्यादातर बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट 1 से 5 साल के बीच में ही होता है, बिकॉज इस समय बच्चे का जो माइंड होता है वो किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है. इवन अगर कोई बच्चा डेवलपमेंट डिले केस में है, ऑटिज़म है, ADHD है या और भी कोई भी इशू है, तो वो भी आप हैंडल कर सकते हैं आराम से. सो हेयर आई एम गोइंग टू शेयर सम एक्टिविटीज़ जो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी साथ साथ, तो स्टे ट्यून्ड. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. और सबसे पहले आप देख लीजिए जो हम एक्टिविटीज़ आज करने वाले हैं, और ये सारी एक्टिविटी ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज़ हैं, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं. तो बच्चे की जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है, उसकी सीखने की जो कैपेसिटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है. सो वीडियो को पूरा देखिएगा. सो दिस वन इज़ द फर्स्ट ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़. इसको आप दोनों पैटर्न सेम पेज पे सेम पैटर्न के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. जो बच्चे को अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड दोनों फिंगर से सेम टाइम पे ट्रेस करना होगा. दिस इज़ अ बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी. सो अगर आपको नहीं पता है बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट. जब दोनों पार्ट अच्छे से मिल के काम करते हैं तभी हम कोई एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. सो हमारे बच्चे जो डेवलपमेंट फेज़ में हैं उनको हमें ब्रेन जिम एक्सरसाइज करानी होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रेन जिम एक्सरसाइज, जिससे हम बच्चों के ब्रेन को डेवलप होने में हेल्प करते हैं. बिकॉज सप्लीमेंट्स देने से ज़्यादा जब बच्चा ब्रेन यूज़ करेगा, जितना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करेगा उतना ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग होगा. सो जब एक बार बच्चा दोनों पैटर्न सेम टाइम पे ट्रेस करने लग जाए, तो फिर आप एक हाथ पे दूसरा पैटर्न दे दीजिए और दूसरे हाथ पे दूसरा पैटर्न दे दीजिए. उसको भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड ट्रेस करना. और ट्रस्ट में अगर आपका बच्चा ये कर पा रहा है, इट मीन्स कि वो ब्रिलियंट किड है. दिस इज़ अनदर एक्टिविटी. इसमें मैंने डॉट स्टिकर ले लिया है, ये ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. तो इस तरीके से मैंने डॉट्स लगा दिए हैं 4-4 के पैटर्न बना के, और इसका कॉपी बना लिया है कार्डबोर्ड से, और बच्चे को मैच करना है. तो एक 2 या 3 साल के बच्चे के लिए ये बहुत अच्छी ब्रेन जिम एक्सरसाइज है, बिकॉज उसको सारे कलर्स इतना मैचिंग होता है, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बच्चे को ये देख के मैच करना होगा. सो उसका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए भी. ये तो कहाँ मैच होगा, देखो जरा कहाँ मैच होगा. नो, हाँ, वेरी नाइस, गुड ट्राई, वेरी गुड. अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो आप ये सिंपल 2 डॉट या 3 डॉट एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए 3 डॉट एक्टिविटीज़ भी बनाई है, सो दैट वो ईज़िली करना पहले सीख ले, फिर मैं उसको 4 डॉट्स पे स्विच करूँगी. तो इस तरीके से आप बच्चे को फ्री प्ले के लिए भी दे सकते हो, मल्टीपल बना के, ताकि वो उसका गेम भी हो जाएगा और ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज भी हो जाएगी. सो और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है इतने कलरफुल स्टिकर देखकर. और साथ साथ मैंने इसको लैमिनेट कर दिया है, तो ये रीयूजेबल है. मतलब कई बार स्टिकर बच्चे टियर करने लग जाते हैं, तो मैंने इस पर टेप लगा दिया है सो दैट वो टियर ना हो और मैं उसको बार बार यूज़ कर सकूँ. दैट्स रॉन्ग कलर है, ठीक से कलर देखो. नो, टर्न करो. यस, ऑब्जर्व करो खुद से. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ब्लू, ग्रीन, रेड, वेरी. 6. दिस इज़ अनदर DIY ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी, जिसमें मैंने नंबर्स को दोनों अलग अलग पेजेस पे लिख दिया है. और काउंटिंग 1 to 10 ही है, बट उनका पैटर्न आप देखोगे तो अलग अलग है. जैसे 1 ऊपर है, तो दूसरे पेज में मैंने 1 नीचे लिखा हुआ है. अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को दोनों नंबर्स जो आप बोलोगे सेम टाइम पे दोनों शीट पे फाइंड करके और उसको टच करना है. सो बच्चे को टच करने के लिए पूरा दोनों सीट को स्कैन करेगा. सो इसमें बच्चे की विजुअल स्कैनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. और सेम टाइम पे बच्चे को दोनों आइज़ का यूज़ करना है, दोनों ब्रेन्स का यूज़ करना है, दोनों हैंड का यूज़ करना है. तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है इस एक्टिविटी से. एक बार बच्चा 1 to 10 तक करने लग जाए, तो फिर आप रैंडम नंबर्स कराइए और आपको चेंजेस दिखेंगे अपने बच्चे में ये सारी एक्टिविटीज़ कराने में, बिकॉज़ ये सारी जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हैं ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सजेस्ट की हुई हैं। सो अगर स्पेशल जो आप बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम में भेजते हो, ब्रेन बूस्टिंग प्रोग्राम में देखती हूँ इतने सारे ऐड आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। वहाँ पे भी बच्चों का जो ब्रेन जिम कराया जाता है उनमें यही सारी एक्सरसाइज कराई जाती हैं। और ये रही एक शेप शॉर्टिंग एक्सरसाइज जिसमें बच्चे को कलर और पैटर्न देख के शेप शॉर्ट करना है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। सो ये सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और मैंने टेलीग्राम पेज भी बना रखा है, आप वहाँ से भी जाके ये वर्कशीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराने से भी आपके बच्चे को बहुत हेल्प होगी एजुकेशन में भी। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आपका बच्चा कर ले रहा है ना, तो ट्रस्ट में वो अपना LKG UKG का सिलेबस तो चुटकी में सॉल्व कर लेगा। सो एक नॉर्मल बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज़ कराइए ताकि वो एक्सेप्शनल बने, बिकॉज आजकल के एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे रेस लगी हुई है, वैसे हमें बच्चों को, अगर आप सच में एजुकेशन के लिए सीरियस हैं और करवाना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज बाद में बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा, जो मुझे पर्सनली लगता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग टिल नाउ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इफ़ यू वांट मोर एक्टिविटीज़ लाइक दिस सो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, बाय बाय। एंड स्क्वायर, नो दैट इज रेक्टेंगल शेप।